वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे मौर्य साम्राज्य के बारे में, जो अपने कंट्रोल अपने राज्य को किस टाइप से कंट्रोल करते थे, उसको सेफ रखते थे, उसके बारे में पढ़ा था हमने. जैसे फर्स्ट हमने पॉइंट पढ़ा था रूलिंग द प्रोविंसेस, अपने प्रांत को किस तरीके से शासन में लाते थे, कैसे उसे मैनेज करते थे तक्षशिला एंड उज्जैन के थ्रू, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी यहाँ पर. अब हम बात करते हैं आगे इसी टॉपिक में. सेकंड जो टॉपिक है मैनेजिंग रोड्स एंड रिवर. जैसे कि हमें पता है रोड एंड रिवर क्या होते हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, ये यातायात के साधन माने जाते हैं और ये मौर्य साम्राज्य के लिए भी मैटर करते थे. और मौर्य साम्राज्य ने इन दो मोड्स का यूज़ करके, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके मनी को रेज किया. उनका मेन उद्देश्य यही था. तो उन्होंने क्या किया, टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स लगा दिए. वो क्या करते थे, कोई भी ट्रेडर या ट्रैवलर वन प्लेस टू अनदर प्लेस यात्रा करता था, जाता था, ठीक है, किसी भी काम से, किसी भी पर्पज़ से जा सकता है ना वो. सो ट्रेडिंग के पर्पज़ से हो या फिर वो कोई ट्रेवल कर रहा हो, तो उसके ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिए एंड ट्रिब्यूट्स लगा दिए. अब हम बात करते हैं यहाँ पर टैक्स, तो हमें समझ में आता है कि टैक्स वो कर वसूला करते थे किसी भी चीज़ पर. जैसे अगर वो कोई किसान फार्मिंग करता था तो उसके ऊपर ट्रिब्यूट टैक्स लगा दिया जाता था कि उसे अपनी भूमि के जैसे 100% है तो उसमें से आधा जो पार्ट है, आधे में से जो आधा, जैसे लाइक 20% ले रहे, तो 20% टैक्स जो है उन्हें भेजना होता था, ठीक है, उन्हें देना होता था राजा को. तो टैक्स हमें पता है, अंडरस्टूड है, लेकिन ट्रिब्यूट्स क्या होता है, ट्रिब्यूट्स क्या होता है, अ गिफ्ट और पेमेंट मेड विलिंगली टू समवन. एक ऐसा गिफ्ट होता है ये जो हम किसी को देते हैं अपनी इच्छा से, ठीक है, वो ट्रिब्यूट कहलाता है. तो ये उस टाइमिंग में वसूले जाते थे राजाओं के थ्रू. राजा जो अपने एरिया में किसी भी ऑफिसर्स को अपॉइंट करते थे, टैक्स ऑफिसर्स को, ठीक है. अब हम बात करते हैं जो टैक्स वॉज, और हाँ सेकेंड थिंग यहाँ पर मेजर लैंड एंड वाटर रूट्स जो कि मेंटेन किए जाते थे स्पेशली इस एम्पायर में, मौर्य साम्राज्य में. मौर्य जो एम्पायर है वहाँ पर रोड, वाटर रूट और लैंड रूट हुआ करते हैं, ठीक है, जो रोड पर जाने वाले जो व्हीकल उस टाइमिंग में हुआ करते थे, कार्ट्स वगैरह. एंड वाटर रूट जैसे लाइक हम बात करें बोट्स की, तो अब हमें ऐसा तो है नहीं कि मौर्य साम्राज्य हमें शिप देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कार्गो शिप देखने को मिल जाएगा, नो. ये तो अभी अभी डेवलप हुए ना, लेकिन पुराने टाइमिंग में बोट्स ही चलती थी मोस्टली, हमने देखी है. अब टैक्स वॉज कंपलसरी. उस टाइमिंग में टैक्स जो होते हैं वो कंपलसरी माने जाते थे कि टैक्स लोगों को देना ही होता था. अगर वो ट्रेडिंग करते हैं या फिर ट्रेवल करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उनको कंपलसरी है कि वो टैक्स दे. अगर कोई टैक्स नहीं देता था तो उसे पनिश किया जाता था राजा के थ्रू, ठीक है. बट हम बात करें ट्रिब्यूट्स की, तो ट्रिब्यूट्स कंपलसरी नहीं थे, वो इंडिविजुअल एक विश थी. अगर किसी को लगता था सेल्फी कि हमें देना चाहिए एज अ गिफ्ट के रूप में, तो उसे गिफ्ट के रूप में उसे दे सकते. जैसे लाइक हम बात करें, जैसे हम किसी होटल में जाते हैं खाना खाने, ठीक है, तो हमें पता है हमें बिल पे करना होगा, हमें बिल तो पे करना होगा, लेकिन अगर किसी वेटर को हम जो टिप देते हैं अपनी इच्छा के थ्रू, ठीक है ना, अगर हमारी विश होती है कि हाँ चलो इसे दे देते हैं, टिप देना चाहिए, तो वो एज अ ट्रिब्यूट के रूप में उसे समझ सकते हैं, ठीक है. इज दैट क्लियर. According to Arthashastra, the northwestern parts of India were known for blankets and south India for gold and precious stones. There is a possibility that these items were received as tributes. अब हम बात करें कि हमारे इंडिया जो अर्थशास्त्र है किसने लिखा था, कौटिल्य ने, है ना, कौटिल्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के एडवाइज़र थे, ठीक है. उन्होंने जो अपनी बुक है अर्थशास्त्र, उसके अनुसार उसमें बताया गया है कि इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है यानी कि उत्तर पश्चिमी भाग इंडिया का, वो ब्लैंकेट्स के नाम से जाना जाता है, और साउथ इंडिया पार्ट, इंडिया का जो दक्षिणी पार्ट है, है ना, दक्षिणी भाग है, उसे हम गोल्ड और प्रीशियस स्टोन के रूप में उसे समझते हैं, ठीक है, बुलाते हैं. तो ये जो चीज़ें होती हैं ये उस टाइमिंग में ट्रिब्यूट्स के रूप में दी जाया करती थी, ठीक है. जैसे कि सपोज करें कि अगर टैक्स दे रहा है या ट्रिब्यूट दे रहा है, तो उसमें गोल्ड का या प्रीशियस स्टोन का यूज़ कर सकता था, ठीक है. तो बेटा इतने पॉइंट्स क्लियर आपको. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लास्ट, मैनेजिंग द फॉरेस्ट रीजन. अब वो फॉरेस्ट रीजन को यानी कि जंगल प्रदेशों को किस टाइप से मैनेज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. द फॉरेस्ट ड्वेलर्स, फर्स्ट थिंग यहाँ पे फॉरेस्ट ड्वेलर लिखा है. फॉरेस्ट ड्वेलर्स क्या होते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स दैट मींस जंगलों में रहने वाले निवासी, है ना. सो द फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट. उस टाइमिंग पे जो जंगलों में रहने वाले निवासी थे वो बहुत ही ज़्यादा होते थे कुछ लोग, और कुछ लोग कम स्वतंत्र होते थे, है ना. कुछ लोगों को ऐसा था कि वो जो चाहे वो कर सकते थे, और कुछ लोग कुछ
अंडर कंट्रोल में रहते थे राजा के. हाउएवर दे वर सपोज टू प्रोवाइड एलिफेंट्स हनी वैक्स एंड टिम्बर टू द मोर ऑफिशियल्स. सो ये लोग उस टाइमिंग में अगर एज अ ट्रिब्यूट की बात करें हम या टैक्सेस में भी ले सकते हैं, तो वो राजा को मौर्य साम्राज्य के जो राजा है तो उनके उन्होंने जो ऑफिसर बनाए हुए होते हैं तो उनको वो क्या देते हैं, क्या चीज़ प्रोवाइड करते थे, एलिफेंट्स प्रोवाइड कर देते थे, हनी प्रोवाइड करते थे, वैक्स और टिम्बर, ये सारी चीज़ें उस टाइमिंग में ये मौर्य साम्राज्य को प्रोवाइड किया करते थे. ठीक है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स. ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे आगे. व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ एम्पीरियर अशोक. अब अशोक की लाइफ में ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट आया, कैसा मोड आया, उसके बारे में जानते हैं हम. अशोक कॉन्क्वेस्ट. स्टडी द मैप्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. फर्स्ट थिंग, हमें ये क्या दिख रहा है, मैप है ये. सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस मैप, है ना. इस मैप के बारे में समझते हैं. ये जो मैप है तो हम इसमें देख सकते हैं हमारा इंडिया का पूरा पार्ट है. अब ये जो मैप का जो इतना इतना पार्ट आपको ग्रीन में जो हाईलाइट किया गया है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो एम्पायर था उस टाइमिंग में था. चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ से स्टार्ट किया था अपना राज्य, तो उसे भारत के इतने इतने हिस्सों में फैला लिया था. स्प्रेडिंग उसकी बहुत ज़्यादा फास्ट हुई थी. ठीक है, बहुत ही महान सम्राट माने जाते थे चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने टाइमिंग के. ठीक है, तो धीरे धीरे उन्होंने अपने राज्य को ऐसे विस्तार किया. यहाँ पर आप देख सकते हैं पाटलिपुत्र, बोधगया, मथुरा एंड ये क्या है, इंद्रप्रस्थ, तक्षशिला. ठीक है, ये उनकी मेन सिटी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रदेश माने जाते थे उस टाइमिंग में. और यहाँ पे पाटला भी हम देख सकते हैं. ठीक है, तो धीरे धीरे इन्होंने अपने राज्य का ऐसे विस्तार किया. ठीक, अब हम बात करें यहाँ पे रेड में दिख रहा है आपको ये जो रेड पॉइंट्स है, तो ये जो है मेजर सिटी मानी जाती थी उस टाइम की, बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी के रूप में इसे माना जाता था. ठीक, और आपको यहाँ पर ये पाटलिपुत्र दिख रहा है ऐसे डॉट्स में. ठीक है, ये उस टाइमिंग की कैपिटल सिटी यानी कि राजधानी मानी जाती थी. तो ऐसे इस मैप के थ्रू हमें चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में बताया गया है. अब हम बात करते हैं बिंदुसार के टाइम. बिंदुसार के टाइमिंग में जो राज था, पूरा इंडिया का जो पार्ट था ओवरऑल, धीरे धीरे फैलने लगा था. और जो प्रदेश थे अपने अंडर में करते जा रहे थे, करते जा रहे थे. ठीक है, तो ये था 1600 BCE के समय. एंड ये 300 BCE, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था, उस टाइमिंग में 300 ईसा पूर्व ये इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी थी, ग्रोथ हो चुकी थी मौर्य साम्राज्य की. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाटलिपुत्र के अलावा बोधगया, ये हमने पढ़ा, मथुरा, इंद्रप्रस्थ, तक्षशिला, पाटला. ठीक है, तो इन्होंने धीरे धीरे अपने राज्य की जो जड़ें थी वो भारत के इस हिस्से में भी ले आए. वो धीरे धीरे कहाँ आने लग गए, वो सेंट्रल से होते हुए वो साउथ पार्ट में भी आने लग गए इंडिया के. तो ओवरऑल हम बात करें तो पूरे इंडिया पर मौर्य साम्राज्य का अस्तित्व दिखने लग गया था बिंदुसार के एम्पायर के टाइम पे. बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त के बेटे थे. ठीक है, सो नाउ वी डिस्कस, अभी हमने डिस्कस किया चंद्रगुप्त एम्पायर, बिंदुसार एम्पायर, एंड हम बात करेंगे अशोक एम्पायर के बारे में. अब अशोक का एम्पायर देखते हैं. तो अशोक ने धीरे धीरे राज्य को इस तरह से बढ़ाया जैसे कोई हवा का झोंका आता है ना एकदम से हमारे पास, ऐसे कोई चीज़ हमको छू जाती है और हमें पता ही नहीं चलता है. ऐसे ही उन्होंने कुछ ही टाइमिंग में पूरे राज्य पर, भारत के पूरे राज्य के साथ साथ आउटसाइड की जो कंट्री थी उनको भी अपने अंडर में कंट्रोल में कर लिया. ठीक है, देख ही सकते हैं आप यहाँ पर नाम दिख रहे हैं. ठीक है, जैसे ये क्या लिखा है, गुजारा, कुशाम्बी. कुशाम्बी का नाम बहुत लिया जाता है मौर्य साम्राज्य में. उज्जैन है, तक्षशिला है, पाटलिपुत्र है, ये सारनाथ. सारनाथ आपने पढ़ा है, बोधगया से रिलेटेड कुछ चीज़ है सारनाथ, गौतम बुद्ध, ये हमने पढ़ा था स्टोरी में लास्ट चैप्टर में इनके बारे में. ठीक है, सो ये मेरठ, ये कुछ ऐसे प्रदेश थे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट माने जाते थे उस समय में. और साथ साथ एक फर्स्ट जो उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट जीत मानी जाती है, कलिंग वॉर, है ना. ये दिख रहा है आपको कलिंग राज्य, है ना. तो ये जो राज्य था ये अशोक की सबसे महान जीतों में से एक मानी जाती है, क्योंकि इस पर सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत बार इस पर राज करने की कोशिश की पर वो असफल रहे थे. उन्हें अनफॉर्चुनेटली उन्हें सफलता नहीं मिली थी. मैंने डिस्कस भी किया था इस मैं आपको. सो लेकिन वो सफल नहीं हुए. बिंदुसार ने भी इस पर बहुत ट्राई किया कि इस राज्य को अपने अंडर में ले ले, बट
इस पर किसने अपना हक जमाया, किसने इस पर विजय हासिल करी, कौन जीता था इस राज्य को? अशोक, महान अशोक जैसे हम नाम लेते हैं, ठीक है। सो ये उनकी महत्वपूर्ण जीतों में से एक थी कलिंग वॉर, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है, ठीक है ना। सो धीरे धीरे मौर्य एम्पायर जो है धीरे धीरे ऐसे डेवलप होने लगा, उसकी ग्रोथिंग बहुत जल्दी जल्दी होने लग गई। अशोक ने पूरे देश में ओवरऑल जो पूरी कंट्री है इंडिया उसमें अपना राज स्थापित कर लिया था, एस्टैब्लिश कर लिया था। सो हु हैड द लार्जेस्ट एम्पायर अमंग द थ्री रूलर्स। अब हम बात करते हैं इन तीनों में से किसका जो एम्पायर था सबसे ज़्यादा लार्ज था, उसके यहाँ पे आपको नेम लिखने हैं, मतलब ये थ्री जो लार्जेस्ट एम्पायर थे उनके यहाँ पे लिखने हैं आपको नेम रूलर्स के, ठीक है। नेम द किंगडम दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द मौर्य एम्पायर ड्यूरिंग बिंदुसार रेन बट वाज ब्रॉट अंडर इट वाज इट बाय अशोक। ये सारी चीज़ें मैं आपको बुक से रिलेटेड जो भी है वो मैटर आपको सेंड कर दूँगी। बाकी अभी आपको ये पॉइंट्स क्लियर है, अभी इतना समझ में आ चुका है आपको, ठीक है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर में, ठीक। अशोका इनहेरिटेड अ वास्ट एम्पायर बट ही वॉन्टेड टू एक्सपेंड हिज एम्पायर फर्दर। इवन आफ्टर रूलिंग एज एन एम्पायर फॉर 8 years, द कलिंग जनपद विच इज़ द मॉडर्न डे कोस्टल ओडिशा वॉज स्टिल आउटसाइड हिज कंट्रोल। देखिए बात करते हैं कि अशोक ने अपने जो राज्य को धीरे धीरे उसका जो विस्तार था बहुत ही तेज़ी से करा, ठीक है, बहुत बट वो क्या चाहता था, अपने राज्य को और एक्सपेंड करे, है ना, अपने एम्पायर को और ज़्यादा बढ़ाए। तो वो इस सोच में था कि ऐसे कौन से प्रदेश, ऐसे कौन से रीजन है जिनको अपने राज्य में ला लेगा तो उसका राज्य बहुत ही महान माना जाएगा, बहुत ही स्ट्रांग पावरफुल होगा। सो उसने धीरे धीरे इवन आफ्टर रूलिंग एज एन एम्पायर 8 years, जब उसे 8 साल हो गए अपने राज्य में राज करते हुए, तो द कलिंग जनपद, जो कलिंग जो कि उस टाइमिंग का बहुत ही मेन सिटी मानी जाती थी जो जनपद के फॉर्म में थी, तो वो उसे अपने राज्य में इंक्लूड करना चाहता था। अभी हम बात करें तो ये हम ओडिशा के क्षेत्र में पड़ता है कलिंग, ठीक है, तो उसे अपने कंट्रोल में करना चाहता था। कलिंग वॉज इम्पॉर्टेंट एज इट्स रूलर कंट्रोल्ड द लैंड एंड सी रूट्स टू साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। कलिंग उस राज्य का उस समय का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंड था, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट भूमि मानी जाती थी, महत्वपूर्ण भूमि जो कि साउथ इंडिया पार्ट में आती है। हम साउथ ईस्ट में देख सकते हैं, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये साउथ एरिया भी आ गया, ठीक है, तो ये एरिया में हम इससे देख सकते हैं। ये एशिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट थी सी रूट के रूप में, तो उसका मेन मोटो यही था कैसे भी वो इस राज्य को अपने अंडर में कर ले, बिकॉज अगर सी रूट है तो ऑब्वियसली किसी भी साम्राज्य के लिए सी रूट्स को कंट्रोल करना बहुत ही बिगेस्ट अचीवमेंट माना जाता है। तो उसका मेन पर्पज़ यही था कैसे भी वो कलिंग को अपने राज्य में करे, ताकि जो सी रूट है और जो सी एंड जो लैंड रूट है वो उसके अंडर में कर सके, ताकि वो इजीली अपना जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी टैक्सेस वो कलेक्ट करता था, या फिर जो भी उसे अपने ट्रेजर को अपने वेल्दी अपने राज्य को वेल्दी बनाना होता है तो उसे वो आसानी से कर सकता था, ठीक है। सून अशोक फॉट अ ब्लडी वॉर टू कॉन्क्वर कलिंग। इसी के लिए उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, कलिंग वॉर, कलिंग युद्ध लड़ा, जो कि बहुत ही ब्लडी था, ब्लड शेड में था, बहुत खून खराब हुआ था इस वॉर में, बहुत सारे हरे लोग मारे गए थे। डिस्पाइट हिज सक्सेस इन द वॉर ही प्रेस्ड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स इन फ्यूचर। फिर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, उसने फील किया, बिकॉज उस टाइमिंग पे मौर्य साम्राज्य में बौद्ध धर्म का बहुत ही ज़्यादा एक तरह से हम बात कर सकते हैं फेमस था, है ना, प्रसिद्धि बहुत ही बहुत ख्याति चल रही थी बौद्ध साम्राज्य बौद्ध धर्म की। तो उन्होंने ऐसा फील किया कि ये जो वॉर है ये हमें नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं सारी वॉर आज से छोड़ता हूँ एंड अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए सभी को यही समझाइश दी उन्होंने कि वो वॉर को छोड़ दें और अहिंसा के मार्ग पर चले, ठीक है। तो ये कलिंग वॉर थी जिसमें उनका जो हृदय परिवर्तन जिसको कहते हैं ना कि माइंड चेंज हो जाना, दिल चेंज हो जाना, कि अगर कोई वॉर लड़ रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था हु गेव अप वॉर, उन्होंने वॉर क्यों छोड़ी, ऐसा क्या हुआ था, तो क्या हुआ था, कलिंग वॉर हुई थी जिसमें बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे, तो उन्होंने ये फील किया कि हमें ये नहीं करना चाहिए, इससे लोगों मर जाते हैं, क्योंकि कलिंग के लोगों ने बहुत सारे लोगों ने उन्हें बहुत अपशब्द कहे थे जब ये
वॉर हुई थी, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने उनको गलत कहा था, तो इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा कि ये गलत काम है लोगों को ऐसे मारना, तो इसलिए उन्होंने वॉर छोड़ दी थी। तो ये रीज़न थे। तो उन्होंने जीत तो हासिल कर ली थी कलिंग पर, बट उसके कलिंग वॉर के जस्ट बाद ही उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाते हुए अहिंसा के मार्ग को अपना लिया, ठीक है। ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड टू हैव गिवन अप अ टेरिटरी इन स्पाइट ऑफ विनिंग इट इन अ वॉर। वो केवल एक ऐसे इकलौते राजा थे पूरे यूनियन टेरिटरीज में, हम बात करें पूरे देश में, पूरे क्षेत्र में, जिन्होंने वॉर को, इस वॉर को जीता था, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने, उनका जो भी रीज़न रहा वॉर छोड़ने के, सो ये बेसिकली रीजंस थे, ठीक है। इसलिए ही उनको अशोक महान के नाम से जाना जाता है। अभी हम इस चैप्टर में अशोक धम्म भी पढ़ेंगे कि अशोक धम्म क्या है, व्हाट इज़ द अशोक धम्म, तो इससे रिलेटेड हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तक का जो चैप्टर है आपको क्लियर है? ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई एम्पीरर अशोक गैव अप वॉर, उसने वॉर क्यों छोड़ी। ये खैर मैंने आपको हिस्ट्री बताई दी है क्यों छोड़ी थी, ठीक है। आगे हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं।